फ्रेंड्स, ये जो अब मैं बताने लगा हूँ, ये है 7.4। तो मैं ज़रा ना इसकी, उन्होंने मतलब ये किया है, यहाँ पर टेबल बना के वो वैल्यूज़ देता था, यहाँ पर उसने अंदर उधर ही दे दी हैं, तो वो आप निकाल के अरेंज करके लिख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मांगता क्या है, कहता है व्हाट इज़ द प्री मर्जर। प्री मर्जर ईपीएस क्या होता है, जो ईपीएस यानी कि पहले हो। तो ईपीएस पहले कैसे निकलता है, ईएटी डिवाइडेड बाई शेयर नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। देखिए, आपका फार्मूला पहले में ही है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू भी ले लोगे, ईएटी की वैल्यू भी ले लोगे। तो ये आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो प्री मर्जर एक की आ जाएगी, इसी तरह दूसरे की ले लोगे मार्केट वैल्यू, और वो कर लोगे। ये मैंने सिंपल किया हुआ, एक किया गया टू और एक किया ये वन, ठीक है। ये अंदर ही पैराग्राफ में गिवन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। पीई रेशियो बोथ कंपनीज, पीई रेशियो कैसे निकलती है, प्राइस अर्निंग। तो प्राइस आपको पता है नंबर ऑफ शेयर, मतलब ये 25 रुपये, जैसे कि पीई आपको गिवन, इधर 12.5 है, इसको डिवाइड किससे करना है, इनकी अर्निंग से। अर्निंग जो जो आई है, जो पहले पार्ट में आई है, जो टू और एक की वन आई है, तो इससे हमने डिवाइड किया, एक को टू को एक एक टू से एक को वन से, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया 12.5, 12.5, ठीक है। थर्ड में वो कहता है, अब देखो और से सुनो, वो कहता है पी रेशो हम लोग खुद उसने दे दी, उसने कहा ए बी सीज़, ए बी सीज़ कौन